राली आज तो नहीं उम्मीद तोड़िया सी नहीं एक भी तोड़ी ना फिर मैं लैके डंडा इत्थे सामने बह जाना फिर मैं छड़ना नहीं मैं कुड़ना वाला फिर जो वड्डिया हो गई ना फिर आप ना पता की कराया करांगे जूस बना बना के पीवा करांगे अगला जूस कितना मजेदार होता है ना हाँ पागल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई कैसे हो उम्मीद करती हूँ खैर जी बना दोगे अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे आबाद रखे अच्छा जी दोपहर का टाइम हो गया तो बच्चे अज घर से कहते मामा जी सवाइया बना के दो तो दुध वाली सवाइया बना दुध पा लिया देख ठीक है तो इन्हें पहले गर्म कर लेने बाल देने तो फिर बेचनी पा के सवाइया बना दूंगी तो अज रात भाई असलम के मशीन लगी थी उन्होंने इधर नहीं सैड इधर हवा से इन्ना रात कटाया आंदा रहा तो उस बार उठ के सारे मैं सफाइया की कमरे जो बरामदा से सारे झाड़ू लाया तो फोन करके मामा जी अस सुबह जो उठ के जालियाँ झाड़ियाँ तो इन्ना कट्टा तो मतलब इन्ना कट्टा से ना तो हूँ झाड़ा पूंजा सारे किया फिर बर्तन सारे धो के रखे तो हूँ जालियाँ मैं अज धोनिया सारिया तो फिर कपड़े गिने ना सारे धोवी नहीं तो ना वो कट्टा जो पै जाता है ना बड़ी कट्टा है तो जम जाता तो से ना धोन लगी सी झाड़ू लाया वैसे धोन लगी सी तो हूँ आनी मशीन साढ़े अपने आने लगी है दो बजे का टाइम दिता उन्होंने तो ता करके मैं हूँ अपने भी लग जाए ना क्यों कोल है ना कट्टा आ जाता फिर आवाज जल्दी हल्के हल्के 11:37 हो गए दो बजे तो फिर अपने भी जड़े ना दाने कल लें ना फिर आप पिछले टाइम जो सुबह फिर धो लूंगी इंशाल्लाह सारे कमरे आज फिर एक दफा ना सारे पानी फिरेंगे बरामदे के सेन से बरीक कट्टा है तो जम जाता तो फिर मैं मशीन ला दी है ना कपड़े सारे धो लगा हवा चलती है तो कहीं नहीं देखा बहुत है गर्मियां रोज सफाइया करो रोज नेरी आ जाए बच्चे ने नहाया है तो मैं चलो तवियां बना लिया खा के तो फिर थोड़ी देर आराम करे ना तो मैं कपड़े धो लेंगे सही है ना कपड़े नहीं गंदे करना बस स्कूल जाना इंशाल्लाह तो अपना बह के पढ़ तो लाओ तो मैं काम कर लूँ सवियाँ बना के खुले बर्तन च पा के फ्रिज रख दित्तियां सी तो हुण बच्चियां ने दित्तियां ठंडियां हो गईयां तो बच्चे खांदे पए ने इन्नी धुप ज़्यादा नहीं हवा चलती है ना हल्की हल्की तो मैं इधर मशीन लाती है कपड़े काफ़ी धोन वाले पे से हम कपड़े धुप जाते हैं तो फिर इन्हों थोड़ी देर सह ली फिर इन्हों उतार के उत्ते पाऊँगी उत्ते तो हवा बहुत तेज़ चलती है छत तो मुश्किल ही पाए जाने फिर कोई हल सोचती हाँ बच्चों ने खाना बना के दिता सी कपड़े धोन लग पी सी तो हूँ 3:30 का टाइम हो गया अज सारा दिन ही कपड़े धोते हवा चलती सी ठंडी ठंडी धुप तो नहीं महसूस हुई तो सारी धुप तो गए कुछ इतने फैलाए आ चार पाई तो कुछ कमरे च क्योंकि उत्ते तेज़ हवा चलती है सारे चार पाई पाते गर्मियाँ कोई नहीं बाहर थोड़ी देर रखे सी चार पाई दा तो पानी सारा निचड़ गया तो हम मैं कमरे च ला के पा दिते क्योंकि उत्ते तेज़ हवा चलती है तो कपड़े फिर थले डिगदे तो गंदे होंगे आ सुबह की हवा चलती है तेज़ साड़ी मशीन लगनी सी तो वह भी फरहान पापा ने उन्हें रोकया कि 2 घंटे ठहर के शायद हवा रुक जाए क्योंकि तूड़ी फिर ना इन्नी ज़्यादा उड़ती है फिर घर आने घट्टा मिट्टी आता है इस करके फरहान पापा ने कहा कि 2 घंटे ठहर के हम पता नहीं उन्हें आता ही या शाम वेखो वा सियाना रिहान अंदर जाता सी तो मैं ताला ला दता रिहान जाता सी कि तू जाता सी मेरा नाम लाई खड़ा
तेरी बाबा सियाना वड्डा आई नहीं मशीन हवा तो नहीं रुकनी तो उन्हें कॉल करनी सी कि आ जाता तो चल कर दिता है ना कट्ठी की हम किचन सारी खराब हो गई है बारिश नाल हम सैट करा बस दाने दुने संभाल के पे ना तो इस करके ज़्यादा गर्मी होने से पहले इन्हें सैट करा क्योंकि इस टाइम अंब की जी छां जी तो खुली हवा है तो इतने खुली जगह तो खाना बना लीजा घर भी सब्जी हो जाता गर्मी हो जाती है ना इंशाला मैं ना ज़्यादा गर्मी होने से पहले इन्हें सैट करा इस दफा बारिश ने उपर छा जल्दी खराब हो जाती है बारिश आए तो इन सैट करके तो तवी उधरली सैड तो लिया के इतने वो जगह तो रखा फिर इतने कोल इतनी छां आई होंगी शाम को खाना बना लीजा है सही है ना साफ सुथरी जगह कर लाँगे ना इन्हें मिट्टी ला के फिर इतने थलेंगे सारी जगह धो लेंगे ना तो फिर सारी चीज़ें इतने लिया के रखी हैं शाम को खाना बनाया इतने चार पाई कोल रखी इतने बैठ खाना घर दस चार घर दे है ना इतने हवा चलती है ना पता नहीं है जी कोई बीमारी या कुछ याद है ताइयों ये जड़ियां ना रह गया पैनियां भरियां नहीं थोड़ी जा बाबा थोड़ियां ना नहीं तो आप भरियां सी इदा इदा दे लड़ियां पुरुचियां सी पता नहीं की ये मसला अगर मैं पहलो मई जो पहली बार पिछले साल सी ना उदो मई चुंगिया कीड़े निकले इन्होंने शाम में लिया के ना तो दाने पाए मोर दो मुठा फिर रास्ते ना पै रहे